नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन कार्यक्रम में। सबसे पहले खेद प्रकाश कि आज के कार्यक्रम में विलंब हुआ और वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के साथ हो जाने के कारण हुआ। अब हम बात करते हैं और बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की, उत्तर प्रदेश चुनाव की। हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी। और सबसे पहले मैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से आरंभ करूंगा कि ये कर्नाटक में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। कर्नाटक चुनाव भाजपा बुरी तरह से हारी और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जो थे वो धमाके के साथ जीती। और उसके बाद मैंने देखा कि बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार। और उसमें जो है ये फोटो आता है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही दोनों लोगों की। जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है साफ। जब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है बिल्कुल, मैं लेकिन हम लोगों ने देखा है ट्विटर वगैरह पे, मैंने तो उसको देखा है, जी, उसको बहुत चर्चा भी हुई है तो वो। इसमें जो है वो माननीय मोदी जी हैं, माननीय नड्डा जी हैं, लेकिन योगी जी इसमें से गायब है। तो अब इन दोनों की तुलना करते हुए, दोनों चुनावों की, जरा इस पर भी प्रकाश डालें वीरेंद्र अगर जी। आप मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना देना चाहता हूँ। एक अभी एसटीएफ ने इस महीने एक एक रैकेटियर को गिरफ्तार किया है, गाजीपुर का है, संजय राय शेरपुरिया वो। और उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, रैकेट किए हैं और करोड़ों रुपए उसने इकट्ठा किए हैं डालमिया से। वो सीबीआई के अफसर को भी कहता था कि हम तुम्हारी बात पीएम से करेंगे, उस होम मिनिस्टर से करेंगे। अभी इस समय जेल में है। उसके अरेस्ट होने के बाद जो गोरखपुर की एक स्टील कंपनी है, गैलेंट स्टील, उसके यहाँ छापा पड़ा इनकम टैक्स का, और करीब 700 करोड़ रुपए की उसमें अनअकाउंटेड वेल्थ पकड़ी गई। वो छापा गोरखपुर में, नोएडा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चार पांच जगह। ओवर रेड 4 दिन चली तो इसको लेकर के तरह तरह के कयास निकाले गए थे कि आप वो शेरपुरिया को आपने पकड़ लिया तो हमने आपके गैलेंट को निपटा दिया, ये कहा गया था। तो अब ये और इसको लेकर के लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है, उसके ऊपर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये दो घटनाएं हैं और गैलेंट स्टील जो है वो बहुत करीबी हैं, वो व्यापारी परिवार हैं वैश्य समाज के, जो बहुत करीबी हैं योगी जी के। ये हुआ है। और अयोध्या कर्नाटका के चुनाव में ये बात यूपी में लोगों को मालूम थी कि योगी जी बीजेपी के जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है, और ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली में जो बीजेपी की कर्नाटका लॉबी है वो जिस तरीके से हावी है, और जिस तरीके से बीएल संतोष और कर्नाटका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है वो एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन मैं जो मार्क्सवादी नैरेटिव चल रहा है चुनाव के बाद, जो कि उनका तरीका हर चीज को बाइनरी में देखने का होता है, कि साहब नफरत तो हार गई है लेकिन मोहब्बत की जीत अभी बाकी है, तो ये उनका बाइनरी का नैरेटिव है। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में, ये खास करके नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, पिछले 9 सालों में विचारधारा के स्तर पर और आइडियोलॉजिकल प्लैंक क्या होगा चुनाव के प्रचार का, उसमें इतना कंफ्यूजन मैंने पहली बार देखा। चुनाव के शुरू में आपने मुद्दा बनाया टीपू सुल्तान को, हिजाब को, हलाल को, और हलाला का विषय आपने विषय उठाया। जब आपने देखा कि आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो बोमई और येदियुरप्पा ने कहा कि ये तो हमारे इशू ही नहीं है। उसके बाद जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो कांग्रेस ने लाइक ए वेरी फाइन स्पिन डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं यूरोप में कहा जाता है, जो उन्होंने बजरंग दल को पीएफआई से इक्वेट किया, और उन्होंने जो ट्रैप ले किया बीजेपी के लिए, बीजेपी वॉक्ड इनटू द ट्रैप, और उन्होंने बुरी बहुत जबरदस्त शोर मचाया 5 दिन, और नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली के नाम पे कैंपेन किया।
उसके चलते बीजेपी का वोट तो 1% बढ़ा नहीं बल्कि 0.4% कम हो गया 36% में। कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ गया 5% और जनता दल सेकुलर का मुस्लिम वोट कांग्रेस में आ गया और नतीजा है कांग्रेस की इतनी जबरदस्त उसको सफलता मिली। अब भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा स्ट्रेटजी के लेवल पर कंफ्यूजन होगा और उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि उनके लिए कांग्रेस ऐसी पार्टी ट्रैप ले कर रही है, वो उस ट्रैप में वॉक कर रहे हैं। और 2019 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ था तो अमित शाह ने सीधा लक्ष्य रखा था कि 50% प्लस वोट हमको चाहिए और वो लगभग कामयाब रहे, 49% वोट बीजेपी को मिला। और इन तीन दलों के साथ आने के बावजूद बीजेपी की सीटें करीब 65 आई। तो ये सब हमें कहीं कर्नाटक में दिखाई नहीं पड़ा और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन कैसे रहा कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और आप जो है और ये खबरें मैंने हिंदू अखबार में भी देखी थी और भी अंग्रेजी अखबारों में देखी थी। येदियुरप्पा ने कहा था, शुरू में ही कहा था इलेक्शन के कैंपेन के शुरू होने के पहले, कि कम्युनल पोलराइजेशन का प्लान कर्नाटका में इतना हिट नहीं करेगा। ये उन्होंने बार बार बीजेपी के नेतृत्व को इस बात के लिए आगाह किया था लेकिन उसके और यूपी में कास्ट और कम्युनल फॉल्ट लाइन बहुत पुरानी है। अयोध्या यूपी में है, विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के थे, मुलायम सिंह यादव यूपी के थे, बहुजन समाज पार्टी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ तो कास्ट और कम्युनल फॉल्ट लाइन हमेशा तैयार रहती है, केवल आपको झाड़ पोछ करके उनको खड़ा करना है और दो चार नए मुद्दे उसमें छेड़ देने हैं और एक आध एक जो है बहुत ही भड़काऊ बयान दे देने हैं और यहाँ सारी फॉल्ट लाइन जीवंत तो होती है। लेकिन इस तरह से फॉल्ट लाइन जीवंत कभी दक्षिण भारत में होती मैंने नहीं देखी है सिवाय हैदराबाद के। आज ही खबर आई है कि जो टी राजा जो बीजेपी से एक्सपेल किया गया था प्रॉफिट के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में, उसको बीजेपी ने वापस ले लिया है। तो हैदराबाद में अच्छा। तो फॉर्ट लाइन चल, हाँ आज खबर आई है ये, आज बीजेपी ने उसका एक्सपेंशन विड्रॉ कर लिया है, उसको वापस ले लिया है। तो ये जो खबर आई है, मुझे याद है 2008 में मैं बीजेपी कार्यालय में यहाँ बैठा हुआ था, तभी खबर आई कि साहब जयपुर में ब्लास्ट हो गया है। तो बीजेपी के नेता जी उछल पड़े, अब हम वहां चुनाव जीत लेंगे, और जबकि बीजेपी चुनाव 2008 में चुनाव हार गई राजस्थान में। तो ये इस तरीके से आपको 2008 की बात बता दूं आपको, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूं आपको यहां पे कि 2008 में ब्लास्ट की वजह से बीजेपी जो 40 सीट जीत रही थी वो 78 तक पहुंच गई। नहीं, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी, उनको लगा था सरकार बना लेंगे। तो ये ना, 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 तो, सरकार तो वो तो 40 सीट भी नहीं आ रही थी उनकी, ये हालत इतनी हालत खराब थी वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार ने सारे सीमाएं तोड़ दी थी उस समय, तो ललित मोदी का राज था यहाँ पर। जी जी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक अपना नैरेटिव सेट कर रही है, नरेंद्र मोदी लगातार देश को डीकोलोनाइज करने की बात कह रहे हैं और मार्क्सवादी इकोसिस्टम से लड़ने की बात कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं नरेंद्र और पूरी बीजेपी को, हमको आपको सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारत की सभी राजनीतिक दल मुस्लिम सेंट्रिक हैं, इस्लाम सेंट्रिक हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज। आज भी कोई पार्टी आर्टिकल 370 के पक्ष में बयान देने की स्थिति में नहीं है, यूपी में कांग्रेस भी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज भी ये नहीं कहने की हिम्मत में कर सकती कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, इसका हम स्वागत करेंगे और उद्घाटन जब होगा यदि हमें आमंत्रण मिलेगा तो हम उसमें शामिल होंगे, कोई ये नहीं कह सकता। तो इस देश की जो पॉलिटी है वो पूरी पूरी मुस्लिम सेंट्रिक है और उस देश में कर्नाटका जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में ये हलाला हिजाब और टीपू सुल्तान के ऊपर इतना आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, संगठन के स्तर पर इतनी लचर तैयारी, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही संभाल लिया। और लेकिन बीजेपी के राहत की बात यह है, जितने पोलिस्टर ने वहां सर्वे किया है सबने ये कहा है कि लोकसभा के चुनाव में 51% से अधिक लोग बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, ये सारे पोलिस्टर ने कहा है, आपने भी आपका ध्यान अवश्य गया होगा। तो ये जो चीज हो रही है ये इसका अभी तक जो है कोई जवाब नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि आज कुछ अखबारों में रिपोर्ट आई है ये मुद्दे बीजेपी की टेबल पे होंगे फॉर द पोस्टमार्टम,
और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल जो उनका स्टेक था दडे ही कैंपेन रोड शो किए 72 साल की उम्र में 36-38 डिग्री टेम्परेचर में 26 किलोमीटर लंबा उन्होंने रोड शो किया, उसका उन्हें थोड़ा लाभ मिला, लेकिन बैंगलोर में मिला तो थोड़ा वोट बढ़ा, सीटें बढ़ी वहाँ शायद 32 सीटें हैं उस इलाके में। तो फिर भी अगर इसी तरीके से अगर बीजेपी से द लीस्ट यू एक्सपेक्ट कि आइडियोलॉजी के स्तर पर इलेक्शन प्लान के स्तर पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और लाचारी होगी। आपको याद होगा 2007 में सोनिया गांधी ने मुद्दा बनाया था मौत का सौदागर और उसको ऐसा जबरदस्त हिट बैक किया था नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस को वो इलेक्शन संभालना मुश्किल हो गया था। तो वो जो किलर इंस्टिंक्ट थी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की वो कर्नाटक में कहां चली गई और हमें दिखाई नहीं पड़ी, ये बड़ा हैरत का विषय है। जी मैं आता हूं राजेश जी के पास, मैं आपसे वही पहले तो जिक्र करूंगा उसी ट्वीट का जो मैंने आपको आरंभ में दिखाया था और फिर जो मुद्दे उठाए हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन के उनके बारे में आज आपका एक लेख भी आया, मैंने उसको ट्वीट भी किया था जी। तो आप क्या कहते हैं? वो जो ट्वीट उनका है और जिसमें जो पोस्टर उन लोगों ने डाला है उसका बड़ा बुरा रिएक्शन है। एक्चुअली लोगों ने ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज किया है और बार बार लोगों ने यही कहा है कि योगी जी का भी आप डाल देते उसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि संगठनात्मक स्तर पर इन लोगों को लगता है कि एक कोई नेता है वो उसकी महत्वाकांक्षा को बलवती नहीं करना है। लेकिन पहले भी आप एक कार्यक्रम में कह चुका हूं संजय जी, मोदी जी के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता था, पूरा प्रयास रहता था केंद्रीय नेतृत्व का कि इनको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और केंद्रीय नेतृत्व में उस समय प्रमोद महाजन जैसे लोग बैठे हुए थे और इन लोगों की अपनी एक अप्रोच था। लेकिन क्या ये लोग रोक पाए लोग क्या मोदी जी को? वैसे ही अगर योगी जी को इनको ऐसा लगता है कि उनको बैकड्रॉप में डाल के और किसी तरह से उनको रोक लेंगे तो वो संभव नहीं है और ये इनको करना भी नहीं चाहिए। तो इसका बहुत बुरा रिएक्शन हुआ है लोगों के मन के अंदर, बड़ा लोगों को नाराजगी है, कार्यकर्ताओं को बहुत नाराजगी है कि कोई एक अच्छा परफॉर्मिंग नेता है और वो दो ही नेता इस समय है ना जो अपने अपने प्रदेश को संभाल पा रहे हैं किसी तरह से देखा जाए तो। बाकी जो इनके और जो नेता हैं चाहे गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, ये लोग अपने प्रदेश को कहाँ संभाल पाते हैं? उनको तो हमेशा मोदी जी के लाठी की आवश्यकता पड़ती है, उनके संबल की आवश्यकता पड़ती है। ये दो नेता अपने आप एक उभरते हुए सितारे हैं जो राष्ट्रीय हिमंता बिश्वा शर्मा और योगी जी और जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में लोगों ने जाना है, समझा है और उनको स्वीकार करना शुरू किया है, उनको आप नीचा कैसे दिखा सकते हैं? तो ये अगर एटीट्यूड रहेगा केंद्रीय नेतृत्व का, उनकी ये भावना अगर ऐसे कर करके चलेगी कि नहीं हमें ऐसे नेताओं को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना है, तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे और उसके लिए ये बहुत बड़ी गलती होगी। और देखिए संघ की परिपाटी में ये पहले ये परंपरा नहीं रही थी। संघ की परिपाटी में लोग जो प्रचारक थे वो चुनते थे, खोजते थे कि ऐसा कोई नेता मिले, चाहे वो विद्यार्थी छात्र राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी भी राजनीति के क्षेत्र में, वो ढूंढते थे ऐसे ब्रिलियंट लोगों को। उसी ढूंढने के दौरान जो है उन्होंने डिस्कवर किया मोदी जैसे व्यक्ति को। तो उस परिस्थिति में अगर ये चाहें कि ये सब करके कि, और लोगों के मन में है वो इतना स्पष्ट हो जा रहा है, इतनी मूर्खता इन्होंने की है इसको डाल के कि लोगों के मन में ये लगता है कि हर चीज में मोदी जी का नाम ही लोग क्यों डालना चाहते हैं। कहीं किसी को श्रेय मिलना चाहिए दे दीजिए, समस्या क्या है? तो उसमें आपका बड़प्पन झलकेगा। तो इन्होंने मोदी जी के व्यक्तित्व के ऊपर जो है एक परछाई डाल दी है इस तरह के ट्वीट करके और इस तरह से प्रचार करके। ये इसका बड़ा बुरा रिएक्शन है लोगों के मन के अंदर, एक तो ये है। और दूसरा जो मैंने वो लेख लिखा है, तो लेख जो अभी कहा वीरेंद्र जी ने वो उसके आधार पर मैं वही बात उस लेख में भी है कि इनके अंदर जो है आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन रहा पूरा। और मैंने उनको कहा कि वो रडरलेस थे। अब कैसे स्पष्ट होता है कि रडरलेस थे? आप जब भी कोई चुनाव लड़ने जाते हैं आपके पास मुद्दे होते हैं, आपका एक एजेंडा होता है, आपका एक कन्विक्शन होता है, उसको लेकर आप चुनाव लड़ने जाते हैं। आप चुनाव इसलिए थोड़ी लड़ने जा रहे हैं कि मजबूरी है जनता की कि आपको चुन ले। चुनाव आप इसलिए लड़ने जाते हैं जब अपनी बात कहते हैं जनता से तो आप उसके लिए कुछ करने वाले हैं, उसको बड़े कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखते हैं उसके सामने।
यहाँ देख पूरी तरह से कन्विक्शन का अभाव था। जो भाषण सुने आप, अगर मोदी जी के भी भाषण सुने, तो उसके अंदर सिवाय इसके कि वो गिना देते थे कि हमारी ये सुविधाएं, और जो लगातार चल रहा है, जैसे कि जो वीरेंद्र जी भी अपने अन्य कार्यक्रमों में कहते रहते हैं कि जो लाभार्थी समाज जो है उसके लिए वो सारा आप गिनाते रहे, इसके आगे अचानक जो कुछ आपने अपने ट्रैक चेंज किए, जैसे कि जब इन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात आई तो उन्होंने ट्रैक अचानक चेंज किया और उसके बारे में बात करने लगे। और जब भी वो करते हैं ऐसा, जब भी बीच चुनाव के कैंपेन के दौरान जिस समय भी नरेंद्र मोदी जब ये इशू खड़ा करते हैं, औरंगजेब की बात करने लगेंगे, वो बजरंग बली की बात करने लगते हैं, तो मेरे मन में पहला अंदेशा हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पे चीजें ठीक ठाक नहीं है। मैं पहले समझ जाता हूँ, पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूँ संजय जी, बार बार इस तरफ मैंने इंगित किया है कि मैं समझ जाता हूँ कि गड़बड़ है। और जब वो गड़बड़ हो जाती है, इसके बाद जो ये शुरू करते हैं इसको, ठीक है, अगर आप पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, देखिए कहीं भी बिना पोलराइजेशन के बीजेपी नहीं जीतने वाली है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, बिना उस पोलराइजेशन के, हिंदू हो, बिना हिंदू एकता के बीजेपी नहीं जीतने वाली है, तयशुदा बात है। अगर बीजेपी के मन के अंदर ऐसी कोई थोड़ी भी धारणा है कि बिना उसके ये जीत जाएगी केवल विकास के नाम पर और केवल अपने लाभार्थी योजनाओं के नाम पर, नहीं जीतने वाली, असंभव है। क्योंकि जो लाभार्थी हैं वो आज भी जो है धर्म के नाम पे बट रहे हैं, लाभार्थी जो है अभी भी जाति के नाम पे बट रहे हैं, वो सारे लाभार्थी थे ना, फिर भी एक तगड़ी लड़ाई दी ना उन सबों ने पिछले 2019 के चुनाव में, 55 सीट पे आप आ गए, कारण यही था कि सब उन आधारों पे बटते हैं। वैसे ही हुआ कर्नाटक में भी, जाति के आधार पे तो बंटवारा हो गया ना वहां पे, इसके बाद जो, और जब आपके सामने वाले का स्ट्रेटजी बड़ी निश्चित है, उसकी रणनीति एकदम स्पष्ट है, उसमें कहीं उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस की हो या अखिलेश यादव की हो या सिद्धारमैया की हो या किसी की भी रणनीति देखिए, तो उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, उन्हें एक मुश्त मुसलमानों का वोट चाहिए, यानी कि 90% हम ले लेंगे मुसलमानों का वोट, उनकी पहली रणनीति ये होती है, और दूसरी तरफ हम हिंदुओं के वोट को क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, दूध के नाम पर बांटेंगे। उस रणनीति में एक और नया न्यूआंस आ गया है, वो गुजरात का नाम ले लेके बात करने लगे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव जो है बात करते हैं गुजराती गुजराती गुजराती, तो अब तो वो इस बात में भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि गुजराती और बिहारी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि हिंदुओं को बांटना है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना है। उसके लिए जो भी स्ट्रेटजी, जो भी रणनीति हमें बनानी है, उनके जितने रणनीतिकार है, ये जो प्रशांत किशोर है, वो दो चार नाम और आ रहे हैं, ये जो कर्नाटक के की ये नए रणनीतिकार पैदा हुए हैं, उनकी रणनीति कुछ नहीं है, और जो शुरू शुरू में कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो रणनीतिकार आए थे, उनकी भी रणनीति यही थी कि हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकजुट करना है। उसी रणनीति ने इन लोगों को फायदा कराया है, चाहे वो बंगाल हो या कहीं भी हो, और कोई रणनीति उनकी काम करती नहीं है, उनको पता है इस बात का। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप हिंदुओं को जोड़े। अगर जाति की समस्याएं हैं वहां, वो कलिंगा को आपको साथ लेके चलना चाहिए था, उनको जोड़ने की आपकी इच्छा थी, सब कुछ था, तो आप 3-3.5 साल वहां रहे, प्रयास करते उसके लिए लगातार। अब बार बार, जैसे कि मैंने उसमें अपने लेख में उद्धृत किया है कि बार बार आप बोलते हैं पन्ना प्रमुख, अरे तुम्हारे पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे? कम से कम वही आपको सही फीडबैक देते, उसके आधार पर आपने निर्णय किए होते किसको टिकट का बंटवारा करना है, क्या भाषण में बोलना है, क्या लोकल मुद्दे उठाने हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे उठाने हैं, आप कम से कम उसी फीडबैक का इस्तेमाल करते। वो तो छोड़िए, आप सारे लोग फीडबैक देते रहते हैं, वीरेंद्र जी फीडबैक देते हैं, आप फीडबैक देते हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर्स फीडबैक देते हैं, ब्लॉगर्स फीडबैक देते हैं, कभी उन्हीं फीडबैक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। ट्विटर पे सामान्य लोग, मेरे जैसे सामान्य लोग, वो फीडबैक देते रहते हैं, इनको टैग कर करके लिखते रहते हैं भैया ये गड़बड़ है। तो मुझे निश्चित है कि कर्नाटक के कितने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं संगठन से, हमेशा समर्थन देते रहे बीजेपी को, एक डॉक्टर है वहां, उनका ट्विटर पर मैं देखता था, तो वो लोग फीडबैक लगातार दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। जमीन से अब कोई आवाज उठती है तो आपको सुनाई नहीं पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रेटजाइजिंग कर लेंगे। मान लीजिए रूरल बैकग्राउंड, रूरल एरियाज में ये बुरी तरह आ रहे हैं, उसमें मान लीजिए कुछ ऐसे नेता थे जो जिनकी उन क्षेत्रों में पकड़ थी, उन्होंने किसी आधार पर रिकमेंड किया होगा आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी को कि इन लोगों को टिकट दिया जाए,
आप उठ के आपके दिमाग में एक जो शिगुफा चल रहा है कि हमने अगर गुजरात में कर दिया, नए लोगों को खड़ा कर दिया, हम चुनाव जीत गए, हमने ओवरराइड कर लिया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को, हमने ओवरराइड कर लिया करप्शन के फैक्टर को, ये स्ट्रेटजी ये रणनीति अगर आपके दिमाग में चल रही थी तो फिर वो कहां से चल रही थी? आपका तो एक घिसा पिटा लीक पे ही चल के चल रहे थे ना, और वहां से जो फीडबैक जमीन से मिल रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि ये लोग जीत सकते हैं, उन नामों को आप काट दे रहे हैं। क्यों काट दे रहे हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, जो फीडबैक, जो ग्रास रूट्स फीडबैक है, वो जाता नहीं ऊपर। मैं बार बार ये लोग पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, मैं मलाड में रहता हूँ, लेख में भी यही लिखा है मैंने, एक बार भी कोई पन्ना प्रमुख हमारे घर पे नहीं आया है, दरवाजा खटखटा। मेरे घर पे भी कोई नहीं आया आज तक। मेरे घर पे भी नहीं आया आज तक कोई। और ये पन्ना प्रमुख बात कर रहा है, एक पन्ना प्रमुख के पास 20 लोग होते हैं और उसके बाद भी आज तक 3 लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों यहाँ कोई नहीं आया, तो ये सिर्फ क्या प्रचार की बात है या वास्तव में ग्राउंड पर है कुछ? ये कहीं कुछ ग्राउंड पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे, कहीं कुछ ग्राउंड पे नहीं। इन्होंने पन्ना प्रमुख को ट्रेनिंग तक नहीं दी है, ये उनसे बात भी नहीं ठीक से करते होंगे। ये जो नेतृत्व की स्थिति है, विशेष रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति है, ये लोग तो पूरी तरह से कहीं किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहा है। दूसरी दुनिया में नहीं रहते तो फिर आप बीच चुनाव के आपकी रणनीति कैसे चेंज हो जा रही है? जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप सन्नत होकर अपनी सेना के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए, सेना को उत्साह दिलाना चाहिए, जनता को उत्साह दिलाना चाहिए। कितने इनके भाषणों में लोग उत्साहित हो रहे थे, जब उत्साहित नहीं होगी जनता तो जनता जो है मतलब तब जनता जो है चुपचाप घर बैठ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, हर चुनाव के अंदर उत्साह होना चाहिए लोगों के अंदर। तो आप तो उस उत्साह पर पानी फेर देते हैं, आपने राजा सिंह का उदाहरण दिया वीरेन जी, आप उनको निकाल देते हैं। क्या मानसिक स्थिति होती है कार्यकर्ता की कि एक आदमी लड़ने वाला है, इकलौता एमएलए है, लड़ रहा है वहां जमीन पे सारे गुंडों से, बदमाशों से, जिहादियों से, वो अकेला लड़ रहा है और आपने उसको अकेला जीता था, वो अकेला पिछले चुनाव में अकेला एमएलए उसी के अंदर, नुपुर शर्मा के साथ। तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होते। अरे कम से आज स्थिति यह है कि एक विचारक व्यक्ति जैसे कि दीपक, अपने साई दीपक है, वो भी खड़े हो जाते हैं। किसी ने एक कार्यक्रम में देख रहा था, उसमें किसी ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, ये जो अपनी साध्वी हैं जो भोपाल से जीती हैं, साध्वी प्रज्ञा, किसी ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की तो उसको भी डिफेंड करने के लिए साई दीपक तैयार थे। आप डिफेंड नहीं करते हैं, आपको अपनी इमेज की इतनी चिंता है, अरे आपकी इमेज बाहर में चली जाएगी। अगर राष्ट्र पहले है और पार्टी बाद में है, व्यक्ति उसके बाद में है, तो ये क्या हो रहा है? ये राष्ट्र अगर पहले है तो राष्ट्र जो है हिंदू एकता के बिना ये राष्ट्र बचने वाला नहीं है, तो फिर हिंदू एकता भी पहली है। वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते। आप भागेंगे तो जनता आपको छोड़ के हटा देगी। और एक सबसे बड़ी समस्या इनकी ये होती है कि जब भी कोई, अब ये लोग जो भी एनालिसिस करें, जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और जीत जाते हैं, तो ये कभी भी जो मूल कारण है उनकी जीत का वो कभी समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मूल कारण ये है कि बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे मोदी जी। अरे भाई, मोदी जी का भाषण सुन कौन रहा था? मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी जी अपना बोले जा रहे थे, मोदी जी का भाषण कोई सुन नहीं रहा था। जनता जो है उनको एक आइकॉन बना के आगे करके चल रही थी। हिंदू एकजुटता के कारण ये 2014 में भी जीते हैं, 2019 में भी जीते हैं और 2024 में भी जीतेंगे, उसी कर्नाटक में जीतेंगे। लेकिन मोदी जी अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं जीतेंगे, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि अभी भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो कुछ भी है वो एक हिंदू राज्य है वहां पे। तो ये सबसे बड़ा पाप तो ये होता है जब अपनी अपनी कमजोरियों की वजह से, अपने नाकारेपन की वजह से जब ये चुनाव कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण चुनाव हारते हैं, तो ये नहीं हारते हैं, ये अगर इनकी समझ में आ जाता तो एक अच्छी बात हो जाती। ये नहीं हारते हैं, हम सब हारते हैं। मैं 3 दिन तक सोता नहीं है मेरे जैसा आदमी, उस चिंता, इतना चिंताग्रस्त होता है कि अब क्या होगा उसके आगे। तो ये जिम्मेदारी अगर बीजेपी के नेताओं के अंदर आ जाए कि आप खुद नहीं हार रहे हैं चुनाव, आपका नकारात्मक जो है हिंदू समाज को हरा रहा है, राष्ट्रवादियों को हरा रहा है, संघ के लोगों के अंदर भी ये बात आ जाए कि आप अपना नकारापन छोड़िए, आप अपना दब्बूपना छोड़िए, खुल के लड़िए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब सामने वाला खुल के लड़ रहा है कि हिंदुओं को बांटेंगे भाषा में, राज्य में, सारे पेरोकियल मुद्दे लेके हम इनको बांटेंगे, मुसलमानों को एकजुट करेंगे, और मुसलमान एकजुट है, आप सब कुछ उनको दे दीजिए फिर भी वो एकजुट रहेंगे, इसके बाद आपको क्या चिंता है? तो आप भी अपने लोगों को एकजुट करिए, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। सारी जातियों को जोड़िए,
ये मान के चलिए मत कि कोई भी जाति जो है मतलब कि आपसे दूर है, हो सकता है अखिलेश यादव सारे यादव वोट देते हो, इसके बाद भी वो हिंदू समाज का अंग है, उनको जोड़ने का काम आपका, जोड़ने की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो आपका है, उसको आप निभाइए। तो ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। देखिए युद्ध तो है, ये कुरुक्षेत्र तो चलने वाला है, ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। और अगर ये एक योद्धा भाव से नहीं लड़ते हैं, सतर्क होके, सजग होके, सन्नद्ध होके, और अपनी सारी सेना को एकजुट एक साथ लेते हुए, सबसे विचार विमर्श करते हुए, अपनी रणनीति बनाते हुए अगर ये नहीं लड़ेंगे तो ये हम सबके लिए समस्या खड़ी करेंगे, इस देश के लिए समस्या खड़ी करेंगे। सारे भारत को तोड़ने वाली ताकतें जो है लगी हुई हैं, इस भारत को अगर बर्बाद करना है, तोड़ना है, तो हिंदू एकता को तोड़ना है, उसमें आपको लगना है कि हिंदू एकता को बलवती करना है। और जब हिंदू एकता बलवती होगी तो भ्रष्टाचार भी मिटेगा सब लोग। और फीडबैक, जमीनी फीडबैक, धरातलीय फीडबैक से इनको क्या परहेज है मेरी समझ में नहीं आता। चाहे हर राज्य सरकार में लोग बार बार इनको फीडबैक देते हैं, ट्विटर पर फीडबैक देते हैं, सब कुछ देते हैं, लगता है कोई सुनता ही नहीं है उनकी। जी वहीं से चलूंगा, हमारे जो योगी जी को आउट करके, जबकि निकाय चुनाव में मोदी जी का, नड्डा जी का कोई, आगे बढ़ना चाहता हूँ राजेश जी की बात को, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बात और ऐड करूंगा, एक मिनट रुके वीरेंद्र जी, एक मिनट रुके, एक बात और ऐड करूंगा इसी में। वही जो बात मैंने कही थी योगी जी की, कर्नाटक में योजनाबद्ध तरीके से साइडलाइन किया गया येदियुरप्पा जी को, और जो विश्लेषण हो रहा है कि साहब ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि साहब वो एक मत थे, लेकिन मैं बताऊं आपको जो 88% बता रही है इनकी पोलिंग, उसने ये बताया है कि 80% थी 2018 में, इस बार 88 हो गई। एक एजेंसी 78% बता रही है, वो कह रही है कि 70% थी 78% हो गई। इसका मतलब है 8% वोट एक्स्ट्रा दिया केवल, तो पहले भी 80 था, अब 88 हो गया, या पहले 70 था अब 78 हो, 8% की बढ़ोतरी हुई। 13% जनसंख्या है, 13 × 8 होता है 1.04%, और कांग्रेस का वोट बढ़ा है 4.88%, मतलब 4.84% वोट और आया है। वो कहां से आया है? लिंगायतों का वोट कम हुआ है बीजेपी का 12%, इसको कोई नहीं देख रहा है। लिंगायतों का वोट क्यों कम हुआ है? देखिए बीजेपी हारी कहां से, बेंगलोर में बीजेपी ने अप किया है, पोस्टल में भी बीजेपी की भारी मेजोरिटी है 13-6, पिछली बार से कम है लेकिन 13-6 है वहाँ भी। लेकिन वो जो दो क्षेत्र पिछली बार इन्होंने स्वीप किए थे सेंट्रल कर्नाटक में, 25 में से 21 थे, वहाँ 25 में से 5 है, और वो येदियुरप्पा का गढ़ है। तो आप किसी को हटा देते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से कि उसकी उम्र हो गई, तो डोवाल क्यों नहीं हटते हैं, 82 साल के हो गए। ये जो एक फेटिश है कि कोई स्ट्रांग लीडर हो उसको साइडलाइन कर दो, क्योंकि उससे जो है संभवतः मोदी जी के महिमा मंडन पे कोई असर पड़ता है, उसको अधिक क्रेडिट मिल जाता है, वही जो है माइंडसेट हमें इस ट्वीट में देखने को मिल रहा है कि जहां आपका कोई लेश मात्र भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहां पर आप जिसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आप पिक्चर में से हटा देते। जी वीरेंद्र जी, मैं यूपी में बहुत बातें होती थी सोशल इंजीनियरिंग की, कि हम साहब जो है समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए हम नॉन यादव ओबीसी पे फोकस करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करने के लिए हम नॉन जाटों पे फोकस करेंगे। मैंने बहुत लोगों से जानना चाहा लेकिन मुझे कहीं से स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि कांग्रेस आपके ऊपर नफरत की दुकान का पूरे आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और सिद्धारमैया प्लेनली डिविसिव एजेंडा है अहिंसा का नेटवर्क वो बना रहे हैं आदिवासी हरिजन मुसलमान का। आपने उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया के इस सोशल कोलेशन को काउंटर करने के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी थी, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। सारे सूत्रों से हर जगह खटखटाने के बाद कहीं कुछ भी किसी बीजेपी के नेता का की ओर से कुछ भी नहीं आया। तो इससे एक बात और समझ में आई है,
कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के पास कर्नाटक की जो सामाजिक राजनीतिक जो 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 उनकी समझ है, जो वहां की सामाजिक संरचना की बीजेपी की जो समझदारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर एक फ्लॉ है, एक कमी है जिसको वो समझ नहीं पाए। और कांग्रेस ने जितना लोकल इश्यू पे वहां फोकस किया उतना बीजेपी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ये बात कहने से नहीं चूकते थे कि साहब कर्नाटका तो कांग्रेस का नया एटीएम है, नंदनी दूध कर्नाटक का है, अमूल दूध गुजरात का है। एक फर्जी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, कांग्रेस लगातार आपके ऊपर हमलावर रही, और खड़गे तक का भी बयान आया कि पूरा आपने रेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, अब आप कर्नाटक की नंदनी बेच देंगे, उसको भी कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी है। पिछले 8 साल से अमूल कर्नाटक के बाजार में है, लेकिन वो दूध नहीं बेचती है, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है। ये एक फर्जी जो है, चुनाव के पहले आपके ऊपर हमला हुआ, बीजेपी की ओर से इसको काउंटर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो लोग वहां गए, लखनऊ के कुछ साथी मेरे गए थे, जेपी नड्डा वहां पे रोड शो कर रहे थे, उनकी एक मीटिंग में 200 आदमी नहीं थे। मोदी जी के बाद अगर कोई किसी व्यक्ति की भीड़ में की मीटिंगों में भीड़ आ रही थी, वो केवल योगी आदित्यनाथ की सभाओं में आ रही थी और उनके रोड शो में आ रही थी। लेकिन वहां जेपी नड्डा भी रोड शो कर रहे हैं, इवन अमित शाह की भी पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ वहां नहीं जुट रही थी। तो जिस तरीके से आपको, लेकिन बीजेपी में इस बात का इत्मीनान है कि साहब जगदीश शेट्टर को हमने टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में चला गया, वो चुनाव हार गया। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी आपने टिकट नहीं दिया था, वो तो कांग्रेस से जीत गया। तो और अब बिल्कुल वही होगा जैसा कि जो मुझे लग रहा है, कांग्रेस में हर बड़ी हार के बाद एके एंटोनी कमेटी बनती है, एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आती है, कुछ उसके पोर्शन लीक हो जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। अब बीजेपी में भी वही कमेटी कल्चर आने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, कर्नाटक के चुनाव के बाद। वो जो येदुरप्पा वाला जो आपने बताया आप संजय जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। येदुरप्पा जिस व्यक्ति ने बीजेपी को खड़ा किया कर्नाटक के अंदर, उस व्यक्ति को इन्होंने लगातार अपमानित किया है, एक बार नहीं अनेकों बार अपमानित किया है दिल्ली में बैठे बैठे इन लोगों ने। एलके आडवाणी ने उसको अपमानित किया, जिस केस में येदुरप्पा को रिजाइन करा के फिर गिरफ्तारी कराई गई, वो केस बिल्कुल ही फेक केस था, वो एस्टैब्लिश हो गया। वो हेगडे साहब का अपना एक शिकुफा चल रहा था कि अगर हम किसी बड़े मछली को पकड़ लेते हैं तो एक लोकायुक्त के तौर पर जो मेरा नाम हो जाएगा, तो ये जस्टिस हेगडे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे वहां पे एलके आडवाणी। और उसी दौरान एलके आडवाणी ने बनवाया इन्होंने था उसको लोकायुक्त, बताइए जबरदस्ती, और बेमतलब का केस चला के अनायास जो है येदुरप्पा को इन लोगों ने बदनाम किया कि साहब ये तो भ्रष्ट। इसके बाद ये चले उसी को लेके, आडवाणी जी जो है अपनी कोई रथ यात्रा निकालने वाले थे जिसको सपोर्ट नहीं किया मोदी ने, तो रथ यात्रा ठप हो गई। तो ये इन लोगों की स्थिति है। और येदुरप्पा जो है, उम्र की बात आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, जब आपके सामने जब लक्ष्य है कि राष्ट्र को बचाना है और राष्ट्र को बचाने के लिए प्रदेशों को बचाना है, जिससे कि आपको संबल सपोर्ट मिलता रहे केंद्र के अंदर, तो उसमें ये उम्र और ये सारी चीजें कहां से चलती हैं? जो लक्ष्य है उसको पाना है ना, चुनाव है ये, चुनाव जो है इन सब सिद्धांतों पे, ये जो आपने कहा, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया फेटिश, और दूसरे लोग उसको फितूर कहते हैं, तो दुनिया भर के फेटिश से ग्रसित होके अगर केंद्रीय नेतृत्व चलेगा तो कैसे काम चलेगा। इनका एक दूसरा फेटिश वो है कि साहब हम आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे बड़ा फेटिश है, मारे जाए कार्यकर्ता, कत्लेआम हो खुलेआम, जो है दुनिया भर का अन्याय अत्याचार हो जाए, लेकिन साहब हम बात भी नहीं करेंगे आर्टिकल 356। हम उल्टे ये कह देंगे कि नहीं साहब, किसी भी हालत में आर्टिकल 356 नहीं लगेगा, और इसके बाद आप हतोत्साहित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपने बंगाल के अंदर किया। तो येदुरप्पा के साथ तो लगातार अन्याय हुआ है, तो क्यों देंगे वो कलिका, वो देख वो जो लिंगायत क्यों वोट देंगे? और लिंगायत वोट, और वो तो आपसे, वो तो सबसे नजदीक है, हिंदुत्व से सबसे नजदीक है। आपने देखा नहीं होगा कन्नड़ फिल्में जो बनती हैं, उसके अंदर जो लिंगायत कम्युनिटी से आए हुए जो कन्नड़ स्टार होते हैं, उन सारी फिल्मों में गौरक्षा और उन सारी की बात करते हैं, कुल के सब बात करते हैं। तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का जो हिंदू स्वभाव है और चरित्र है, वो लिंगायत एक्टर्स और स्टार्स के कारण है। तो इतना बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और आप जो है येदुरप्पा को नकारते रहे, आप
माने ये विचित्र सी मानसिकता है और उनको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप क्या जानेंगे कैसे, जमीनी हकीकत तो आपको कहीं नहीं पता है। अगर जमीनी हकीकत पता होती तो बीच बीच चुनावी जंग में आप जो है अपनी दिशा कैसे बदलते, आप अचानक कुछ और बातें क्यों करने लगते हैं और बार बार ये करते रहे। इसलिए इनको आवश्यकता यह है कि जो जमीनी फीडबैक है उसके ऊपर रिलाई करें, कार्यकर्ता जो इनको फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर निर्णय करें। एक ये निर्णय आप देखिए। दूसरा है कि इन लोगों का शिगुफा छूटता है कि साहब सारी पार्टियां अपने चुनावों के कैंडिडेट जो है बहुत पहले अनाउंस कर देती हैं, इनके चुनावों के कैंडिडेट जो है मतलब कि दो दिन पहले अनाउंस किए जाते हैं। और मेरे मन में ये अंदेशा है, उसका कारण यही हो सकता है क्योंकि इनको लगता है कि अगर मोदी जी की रैली अगर होने वाली है तो अगर 10 लोग जो हैं उस क्षेत्र के अंदर उन 10 लोगों को एक्टिवेट रखना है तो 10 को ये आशा दे दो कि तुम लोगों का, तुम लोग अगर भीड़ लेके आओगे और जुटाओगे तो इसके बाद तुम लोगों का टिकट मिलना तय हो जाएगा, इसलिए शायद वो अनाउंस नहीं करते। नहीं तो आपके पास समस्या क्या है, आप अनाउंस करिए उनके नाम पहले जिससे कि वो तैयारी करें, अपने क्षेत्र में जाके जो है लगातार कैंपेन करें, सब कुछ करें, ग्राउंड लेवल पर काम करें। ये भी नहीं कर पाते ये लोग। आप वाले जो हैं वो अपना नाम एक महीने पहले अनाउंस कर देते हैं, इनका नाम लास्ट मोमेंट तक डिसाइड नहीं। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे कि सारे नाम दिए गए उसमें अपने 50 नाम बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी ने काट दिए, ना जाने कितने कितनी असेंबलीज को प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं भगवान जाने। कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे पता है कि उन्हें नहीं पता था उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव, तो मैं नहीं कहूंगा असेंबली चुनाव का भी, और लोकसभा के चुनाव में भी उनको ये जानकारी नहीं थी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, किसकी क्या इमेज है, क्या है, कोई जानकारी नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट था, आपसे बात हुई थी हमारे संजय जी, मैंने आपको बताया था कम से कम बलिया की जो परिस्थिति थी वो मैंने आपको बताया था, बनारस की थोड़ी परिस्थिति की जानकारी आपको दी थी। तो आपको जानकारी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो है नहीं, और आप इर्द गिर्द जो परिक्रमा की राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी बात सुन के आप सारे निर्णय लेते हैं। वो जो एक फ्रॉड पकड़ा गया, क्या नाम बताया था उसका आपने वीरेन जी? संजय राय शेरपुरिया। ये फ्रॉड जो है हमारे मित्र हैं यहाँ बॉलीवुड में, ये उस फ्रॉड से मिले थे। उससे बड़ा है किरण पटेल, एक उससे बड़ा वाला फ्रॉड है किरण पटेल। वो जो वो भी जो कश्मीर जो गया था वो जी कश्मीर वहां पकड़ा गया था। ये पीएमओ का भी वो बगैर पीएमओ का विजिटिंग कार्ड लिए हुए था एडिशनल डायरेक्टर कैंपेनिंग। ये जो फ्रॉड आप बोल रहे हैं ना, जो गाजीपुर वाला जो फ्रॉड आप बोल रहे हैं जो राय है, ये फ्रॉड जो है हमारे मित्र हैं, उनसे मिला था कि हम आपका काम करा देंगे, और उन्होंने जो मुझे उन्होंने नक्शा खींचा था वो कहीं पीएमओ के आसपास में ही बहुत बढ़िया लुटेंस जोन के बहुत बढ़िया आलिशान मकान में रहता था वो, और वहीं से बैठ के फिक्सिंग किया करता था, सारे तमाशे किया करता था। तो ये सारे लोग जो हैं दिल्ली में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, तो ऐसे सारे फ्रॉड जो है निकल के सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता से की बात न सुन के ये जो वहां से हैंगर ऑन है वहां फिर से एक बार उनकी पैठ हो गई है, उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया है और फोटो दिखा के सब उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इन लोगों को करना पड़ेगा कि ये चापलूसी वाला जो है, ये परिक्रमा राजनीति जो है, इसके जो प्रभाव में आते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, संस्कार भारती को लेके मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि वहां भी वही परिक्रमा राजनीति होती है। तो उस परिक्रमा राजनीति के अंदर जो गलत शब्द लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं। अब ये फिल्म आई है द केरला स्टोरी, इस फिल्म के अंदर 10 कट बताए हैं CBFC ने, वो कट करने नहीं थे, वो रियालिटी थे। कहीं भी कोई फिल्म बनेगी अगर आप एक्चुअल फुटेज दिखा रहे हैं तो उसको काटने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फुटेज है जिसमें अच्युतानंदन के भाषण को उन्होंने लगाया था और उसको हटा दिया लोगों ने, CBFC ने उसको कटवा दिया। अब CBFC में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 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 एंटी हिंदू फिल्म होगी उसके ऊपर नहीं बहुत ज्यादा कुछ बोलते बोलते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी प्रो हिंदू फिल्म होगी, जो प्रो राष्ट्रवादी फिल्म होगी उसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाते हैं। तो वहां भी कहीं से इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं, चापलूस टाइप के लोग, परिक्रमा राजनीति करने वाले लोग, किसी की ब्यूरोक्रेसी में कुछ पैठ है, कहीं कोई एक नेता किसी को जानता है तो उसके हिसाब से जो है परिक्रमा करके वहां बैठे हुए हैं। अब उनके फीडबैक के आधार पर अगर आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो थोड़ी आपकी रणनीति काम करने वाली है, और यही परिस्थिति हो रही है कर्नाटक में, हर जगह ये परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ के चले कि जमीनी, या अब ट्विटर पे इतना ज्यादा इनको फीडबैक मिलता है, कभी कभी उसी को रिस्पॉन्ड कर दिया करें, तो उस फीडबैक को कोई देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है।
आज तो फीडबैक के इतने रास्ते हैं, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं कुछ करना कराना है, आपका तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ट्विटर पे दुनिया भर के इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लोग बैठे हुए हैं। हम सब लोग कहीं कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पास ऑन करते हैं कि नहीं, कोई कोई घटना घटती है, मान लीजिए कहीं कोई एक लव जिहाद का केस हुआ, तुरंत उसको पास ऑन किया जाता है, सबको टैग कर दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बाद भी अगर पुलिस के अंदर जो खेल चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सब खेल चल रहे हैं, उसके प्रति सजगता नहीं इनकी आ रही है, तो फिर समस्या है, वो बहुत एक ध्यान देने वाली बात। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पहले दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो कृपया अपने प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप के और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप कृपया इस वीडियो को लाइक का बटन तो तुरंत ही दबा दें, साथ में इसको शेयर भी करें, हमारी सहायता करें, सहयोग करें पत्रम पुष्पम के साथ में, और मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जो है वो चल रहा है, और अब हमारी दर्शक संख्या हो गई है, सब्सक्राइबर संख्या हो गई है, होने वाली है एक घंटे में हो जाएगी 984,000, तो 16,000 का टारगेट और है, तो इसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाएं। एक अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, और वो ये है कि प्रधानमंत्री हर जगह विकास की बात करते हैं, अब यह विकास जो है इसकी जो अवधारणा सनातन धर्म में है वह सर्वांगीण विकास है, लेकिन इस समय यहाँ पर वो केवल अपने प्रोजेक्ट्स जो भौतिक विकास है उसके अतिरिक्त जो आत्मा है, और जिस आत्मा के कारण जो आप कह रहे हैं राजेश जी कि केवल और केवल हिंदू इनको वोट देता है, यही वी एन भट्ट साहब भी कह रहे हैं, तो वो जो आत्मा है उस विकास की उसके बारे में बात ही नहीं करते, उसके विकास की बात ही नहीं होती, केवल और केवल इतनी ट्रेनें चला दी, इतनी रेलगाड़ी चला दी, इतना प्रोजेक्ट बना दिया, इतना यह करा दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे ये तो कोई इसके लिए मोदी जी की क्या आवश्यकता है, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेज दें वो रीड आउट कर देगा। जी किरण जी, देखिए साहब, पहले तो जो आपने ट्वीट दिखाया था योगी जी का, ये बात नहीं आई नेशनल मीडिया में कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए 50 सभाएं की थी, एक दिन में 3 सभा की थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो परिश्रम 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए किया था, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए किया था, वही परिश्रम उन्होंने नगर निकाय चुनाव के लिए किया था। उत्तर प्रदेश में केवल 17 नगर निगम हैं, लेकिन जिन जिलों में नगर पालिका और नगर पंचायत यानी टाउन एरिया है वहां तक जाकर योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया है, और जो भी नगर पालिका का जो चुनाव परिणाम आया है, मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है, वो सिंगल हैंडेड योगी जी की सफलता है, और उसके बावजूद में ट्वीट में नड्डा नहीं चमक रहे हैं, ये मुझे बड़ी हैरानी होती है। नड्डा जी के बारे में आपके क्या विचार है? अरे सर, अब वो हिमाचल में जो हो चुका उसके बाद कोई विचार शेष करना क्या वेट करना कुछ शेष है जो नड्डा में वो जिस तरीके से हुआ है, और आप जो विकास की बात कह रहे हैं, ये बात चर्चा हो रही है फाइनेंशियल रिलीज में और एंड अमंग द इकोनॉमिस्ट, जिस तरीके से जाति जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस, आरक्षण को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, वो फ्रीबीज को भी मुद्दा बना रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करो, सिलेंडर 500 रुपए में दो, बीजेपी के पास अपोजिशन के फ्रीबीज के ऑनस्लॉट को काउंटर करने की क्या रणनीति है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं है। यूपी में अगले महीने बहुत बड़ी रैली होने जा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, और ये बीजेपी आज तक बताने में कामयाब नहीं है कि 2013 में पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल मनमोहन सिंह के जमाने में पास हुआ था, सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, सारे मुख्यमंत्री राजी हो गए थे, केवल वेस्ट बंगाल ने कहा था हम न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, बाकी सब राज्य मान गए थे। और कांग्रेस का ये जो कैसा धोखा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है अपने कर्मचारियों से कि पिछले 2004 से 2022 तक जो हमने 18 साल राज्य का जो कंट्रीब्यूशन जमा किया है वो औसतन पर एम्प्लॉय आता है 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया आप जमा कर दीजिए तब आपको हम ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे पाएंगे। अब वो कर्मचारी कह रहे हैं 18 लाख रुपये हम कहाँ से लाएं। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं सरकार की ओर से, इसकी ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
हाँ, आपने विकास की बात की तो केवल एक बात योगी जी ने की है जो हिंदुत्व के एजेंडा वालों को थोड़ी सी सांत्वना पहुंचाता है कि साहब 2022 से 2047 जो है वो अमृत काल है। बस अब अमृत काल क्या है इसकी भी इसको भी जनता तक इसका अर्थ जो इसका गूढ़ अर्थ है, जो इसका प्राचीन अर्थ है, जो पारंपरिक अर्थ है, आम आदमी को कोई जानकारी नहीं है। आज ये खबर चल रही है कि साहब 28 मई या 26 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो जाएगा। आज ये खबर बहुत प्रमुखता से चली है। अभी ये भी एक विकास का नया एक जो है एक नया आ गया अचीवमेंट। और मुझे खड़गे साहब की ये बात में दम नजर आता है कि हर शहर में जाके एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन स्वयं प्राइम मिनिस्टर क्यों करते हैं? ये क्या इसके लिए कोई वहां कोई नेता नहीं है क्या? तो ये जो विकास की अवधारणा है ये मैं इसमें काफी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मोदी को, इसलिए कि जो पिछले 75 साल की समाजवाद, जिसको मैं कहता हूँ राज्य का पूंजीवाद, समाजवाद कुछ नहीं होता, राज्य का पूंजीवाद है या निजी पूंजीवाद है, समाजवाद कुछ नहीं होता। तो ये जो राज्य का पूंजीवाद की जो व्यवस्था चली आ रही है 32 साल के रिफॉर्म्स के होने के बाद भी, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था और तब ये कहा था द स्टेट शैल डिसएंगेज फ्रॉम एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 32 साल बाद भी हमको सिलेंडर 500 रुपए का चाहिए, हम 1200 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन जनता को हम ये बता नहीं पा रहे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी भी वो समाजवाद के, राज्य के पूंजीवाद के मकर जाल से अभी हम उबर नहीं पाए हैं। और इसके लिए जो नरेंद्र मोदी के पास पॉलिटिकल कैपिटल है और उसके अनुसार जितना वो साहसपूर्ण कार्रवाई कर सकते थे, जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं कि आर्टिकल 356 छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, केंद्र सरकार उसे परस्यू नहीं किया, वो मामला 2 महीने आगे बढ़ गया वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद, अप्रैल 21 में चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने उसके ऊपर जो है ज्यादा तत्परता से उस मामले को परस्यू भी नहीं किया, जबकि 1,00,000 लोग बंगाल छोड़ करके जाके असम में शरण लिए हुए थे। तो ये विकास का मामला ये जो है ये बहुत कंटेंशियस है। लेकिन एक बात है, कांग्रेस की और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी में बुनियादी फर्क ये है कि बीजेपी की नीति बड़ी कंजर्वेटिव है, फिस्कली कंजर्वेटिव है, और कांग्रेस की प्रोफ्लिगेट है, खूब लुटाओ, सब फ्री में दे दो और चाहे 14% इन्फ्लेशन हो जाए। अटल जी के जमाने में FRBMA आया था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, वो इसीलिए आया था कि राज्य सरकारें अनाप शनाप खर्चा करती हैं और पैसा बांटती हैं अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए और कर्जा लेती हैं और बाद में फिर वो बेल आउट पैकेज मांगने केंद्र सरकार के सामने आती हैं, सरदर्द खड़ा होता है। यूपी में मायावती की सरकार ने 2008 में इस एक्ट को अमेंड करने का प्रयास किया था, फिर उनको बताया गया कि साहब फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, केंद्र सरकार छोड़िए RBI भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा और कोई समस्या और कोई पर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने उस बिल को विड्रॉ कर लिया। FRBM से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसिप्लिन करने में बहुत ज्यादा सहायता मिली है। इस बारे में चर्चा हमारे देश में होती ही नहीं है। भारत की राजनीति में 100 में 99 विषय निकलते हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन भारत के नेता कुछ नहीं जानते। उनके जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें खाली डेबिट है, उसमें क्रेडिट नहीं होता। हम देंगे देंगे देंगे, कहां से लाएंगे ये नहीं बताएंगे। किसी को नहीं पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। भारत सरकार ने 22-23 में 11,00,000 करोड़ रुपए का खाली पुराने कर्जों पर ब्याज दिया है और 23-24 में वो 12,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। तो ये जो डेवलपमेंट का मामला है, इसके ऊपर पॉलिटिकल क्लास में, मेरे मीडिया क्लास में लिटरेसी का लेवल बहुत ही दयनीय है। कोई जानता नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता। बस सबको सिलेंडर चाहिए 500 रुपए का और पेट्रोल चाहिए। लेकिन हाँ, मोदी जी की मैं एक बात में तारीफ करूंगा कि 2017 तक चंडीगढ़ में एक महीने में मट्टी के तेल का कंजम्पशन 30,00,000 लीटर था, लखनऊ में 15,00,000 लीटर था, वो जीरो हो गया 2019 आते आते। और वो पहले पूरा पूरा जो है एडल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता था, पेट्रोल में और अन्य कामों में। अब शायद वो 50 रुपए या 60 रुपए लीटर मिलता है और लखनऊ में मैं अगर ढूंढूं तो मुझे दुकान ढूंढने नहीं मिलेगी, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये तो जो है जो PDS का नाम था, परवर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये नरेंद्र मोदी जी की एक सफलता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लैक मनी का सोर्स ऑफ जनरेशन को और पोल्यूशन के सोर्स को खत्म किया है। लेकिन हाँ, विकास के नाम पर
अभी भी कोई एक पॉपुलर नैरेटिव जो आम जनता की समझ में आए सिवाय लाभार्थी के, ये सरकार अभी करने में सफल नहीं रही हुई है, कुछ बताने में कामयाब नहीं हुई है। राजेश जी, मेरा विकास से अर्थ ये था कि हमारे सनातन धर्म में विकास सर्वांगीण होता है और उसके उस दृष्टि से जो बातें होती हैं हिंदू हितों की और धर्म आधारित जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसमें सेकंड क्लास सिटीजन बना रखा है हिंदुओं को, वो मुद्दे जो हैं वो आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं। अब इन्होंने जो पंच प्राण बनाए हैं उसके अनुसार भी वो आते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो मानसिक गुलामी से मुक्ति का भी नारा है, उसमें जो है वो आपके भारतीय संस्कृति का भी नारा है और उसमें कर्तव्य आधारित समाज का भी नारा है। इन सब नारों के बाद भी इस दिशा में कुछ भी किया हुआ नहीं दिखता है। नहीं, वो ये नारा आज का नहीं है, जो एकात्म मानववाद जो था दीनदयाल जी का, और जो भी बौद्धिक आप सुने गुरु जी के, उन सारे बौद्धिकों में ये सर्वांगीण, ये जो विकास हमारा जो है वो पूरे व्यक्तित्व का विकास होना है, जिसको मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, तो एक जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी हर स्तर पर उसका विकास होना है, वो प्रयास करना है। ये तो सिद्धांतता हर जगह रहा है। अब वो ये बात जो है थोड़ा बहुत ये करते हैं, योग वगैरह की बात करने लगे, सब कुछ होता रहा, लेकिन जो इनका एम्फेसिस रहा है, और एम्फेसिस का एक कारण भी है क्योंकि इनको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट है, अगर इकोनॉमिक आर्थिक विकास अगर नहीं हुआ तो बाकी कोई विकास नहीं होने वाला, वो था है। तो आर्थिक विकास होना बहुत आवश्यक है और इसलिए ठीक है, उनके इंटरेस्ट से हमें कोई उसके अंदर समस्या नहीं है। बाकी पहलू में जो महत्वपूर्ण इनके मंत्रालय रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय रहा हो, इन सारे मंत्रालयों को खुल के आगे बढ़ के बड़ी तेजी से काम करने की आवश्यकता थी, जो इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने वहां लचर मंत्री रखे और जो पुराना सिस्टम था वो लगातार वैसे ही चलता रहा अपने तरीके से, जो मार्क्सिस्ट सिस्टम था। तो मार्क्सिस्ट सिस्टम तो मटेरियलिस्टिक है, जब मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्टिक है तो उन्हें कोई आध्यात्मिक विकास की बात तो वो करेंगे नहीं। जो आपको करना था, जो आपका एकात्म मानववाद था, जो आपको उसको एग्जीक्यूट करना था, जिसको आपको उतारना था समाज के अंदर, उस पर आप जिस तरीके से जितना जोर आपको लगाना था उतना आपने लगाया नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि विकास में, जैसे कि ये सब्सिडी वगैरह की बात, मैं अभी भी ये मान के चलता हूं कि अगर आप खुल के जनता से विचार विमर्श करना शुरू कर दें, आप जनता से संवाद करना शुरू करें, ये ढका छुपा संवाद नहीं कि आधा बोल दिया आधा नहीं बोला या चुप लगा के बैठ गया, नहीं, खुल के बात करिए। जनता ने 2019 के अंदर 80,000 सालाना हर घर के अंदर पैसा देने का वादा किया था राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बड़े बड़े जो इनके जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने उसके लिए अब आधार भी तैयार कर दिया था। इसके बाद बड़े बड़े हाँ और बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स इन लोगों ने जो है उसका आधार तैयार किया था। बड़े बड़े विचारक थे, महान विचारक थे, उन लोगों ने आधार तैयार किया था। इसके बाद भी इस देश की गरीब जनता ने उस 80,000 रुपए सालाना के लालच को भी ठुकरा के 2019 में इनको वोट दिया। क्यों दिया वोट? क्योंकि आप वो ये मान के चलते हैं कि आप जो कुछ भी करने के लिए आए हैं अच्छा ही करने के लिए आए हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो आप उस जनता से संवाद बनाइए, सीधा संवाद बनाइए, उनसे बात करिए, खुल के बात करिए, आधे मन से बात मत करिए। जो कुछ भी आपकी समस्या है उनसे बोलिए, उनसे बात करिए। आप डेली जाके वहां मन की बात जो है हर इतवार को क्यों करते हैं, डेली बात करिए कि साहब हमारी ये समस्या है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा होगा तो हमारा जो है हमारी इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा जाएगी, इसलिए हमें ऐसा होने से बचाने के लिए, ऐसा न होने देने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। लोगों ने आपका साथ दिया ना नोटबंदी के अंदर, सबने हर स्तर पे आपका साथ देने की तैयारी थी सबकी, लेकिन आप जो है बात करना आपने बंद कर दिया, जनता से संवाद ही आपका खत्म हो गया। आप जो है ऊपर से करने लगे, आपने जमीन से जो उठने वाली आवाज को सुनना बंद कर दिया। इसके बाद आपने जो उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए, जैसे कि राज्य के स्तर पर जो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए थे वो उदाहरण नहीं प्रस्तुत किए। उसमें धीरे धीरे लोगों का मन थोड़ा टूटा, खट्टा हुआ मन लोगों का, कि हम इनको बार बार चुनाव जिता के भेज रहे हैं लेकिन जो इनको करना चाहिए, जो खुल के करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मंदिरों का मुद्दा हो, बाकी सारे जो है
ये जो संविधान के अंदर वो सारे परिवर्तन करके कम से कम जो हिंदू संस्थाएं हैं, हिंदू मत मतांतर है, उनको उस स्तर पर ले आकर, उसी समान स्तर पर लाके खड़ा किया जाए जहां पे ये मुसलमान और ईसाई संस्थाएं जो है खड़ी हैं, कम से कम वही कर देते। खुल के करें तो आप किसी के लिए, आप खुल के बोले, बातचीत करें, वो नहीं हो रहा है। और वो नहीं होने की वजह से, और जब आपने किया खुल के बातचीत, तो जनता आपके साथ आई, खड़ी हुई, लेकिन अब तो बात ही नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई देके विड्रॉ और कर लेते हैं वो, माइनॉरिटीज स्टेट वाइज माइनॉरिटीज मैटर में पहले दिया कि स्टेट कर सकती है, उसके बाद विड्रॉ कर लिया डर के मारे, पता नहीं किसने डराया उनको। अभी तक कतर से फोन आ जाता है, कभी सऊदी अरब से आ जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है। अभी तक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर भाजपा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो आपकी सरसंघ चालक का आया है ना कि साहब की, हमारे यहाँ तो हरिहर जो है वो उस वो एक LGBTQ का उदाहरण है। नहीं नहीं वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हरिहर उदाहरण है। ये उदाहरण कब दिया उन्होंने, आजकल तो कोई सरसंघ चालक की बात सुन भी नहीं रहा है। लेकिन उसी महाभारत के अंदर लोपमुद्रा और अगस्त की भी तो कथा है, तो एक बात जान ले सरसंघ चालक जी, उन्होंने विवाह नहीं किया है तो हमारी पद्धति के हिसाब से, सनातन पद्धति के हिसाब से वो तरने वाले नहीं है। मैंने विवाह नहीं किया है तो मैं तरने वाला नहीं हूं, वो हमारी सनातन पद्धति है, महाभारत में लिखा हुआ है। अगस्त ऋषि तक को भी विवाह करना पड़ा लोपामुद्रा से, जब उनके पितरों ने कहा कि देखो हम लोग अभी भी अधर्म में लटके हुए हैं, तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हारी प्रजनी नहीं होगी, तुम्हारी संतान नहीं होगी, तो हम लोग नहीं तरेंगे, हम लोगों का मोक्ष नहीं होने वाला है। तो अगस्त मुनि ने अपने उस अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्होंने विवाह किया, और जब उनके जब उन्होंने संतान उत्पन्न की, इसके बाद दोबारा जो है अपनी साधना पे निकले वो। तो मोहन भागवत नहीं तरने वाले, उनका मोक्ष नहीं होने वाला है, ये जान ले वो। तो समझ ले कि विवाह की परंपरा, उसका मूल उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति और जो अपनी जो लिनियज है उसको आगे बढ़ाना है उद्देश्य। तो इसलिए उसमें डेफिनेट टेक स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे ले लेते हैं डेफिनेट स्टैंड उस मामले में, अगर मुसलमानों का इश्यू उसमें आ जाए ना, एक बार एक लाइन आ जाए, तो आप देखिए क्या हो रहा है, आग लग जाएगी इस देश के अंदर। क्रिश्चियंस इसको स्वीकार नहीं करेंगे इसी देश के अंदर, लेकिन ये फुटुर फुटुर बोलते हैं। शबरीमला में भी ऐसे ही फुटुर फुटुर बोलने के लिए चले गए, ये बहुत बड़े लिबरल हो गए एक झटके के अंदर, बिना समझे बूझे। कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया ना उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिश्रा जी थे, वकील थे, सीनियर वकील थे, उसका मैंने फॉरवर्ड किया था, उन्होंने ये कहा चंद्रचूड़ के मुंह पे सामने, कहा कि आप लोगों ने किया था ना शबरीमला का फैसला, अब रेफर कर दिया है ना आपने उसको 9 लोगों की बेंच को, क्योंकि क्रांति शुरू हो गई केरल के अंदर, और ताकते रह गए चंद्रचूड़ जी, जवाब नहीं दे पाए कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे। और इसी ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर ही जो है वो अपनी बात रख रहे थे, मुझे याद नहीं है शुक्ला जी थे कि मिश्रा जी थे, वो सीनियर वो है, तो उन्होंने क्या दिया, राकेश द्विवेदी थे, हाँ द्विवेदी जी थे, तो द्विवेदी जी ने कह दिया उनके मुंह पे कि कर तो दिया आपने, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप भी इतना नहीं कर सकते क्या, आप शबरीमला पे फट से बिना सोचे समझे जैसे ही वो निर्णय आया उन्होंने अपना एक राय दे दी। तो इसीलिए इनकी बात कोई सुनता नहीं, आपने उनको रेफर कर दिया तो मुझे पता चल गया, नहीं तो कौन सुन रहा है उनकी बात, कार्यकर्ता भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। वो सतीश जी तो उस समय थे ना, उस दिन आपके कार्यक्रम में थे, शबरीमला का सारा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, जेल गए, इतना कुछ साहस सब कुछ उन्होंने, वो संघ के कार्यकर्ता ही है ना, उन्होंने नहीं सुना उनकी बात। तो ये सब चीजें इन लोगों की नहीं चलने वाली है। मेन चीज ये है कि कार्यकर्ताओं से आप दूर हट जाएंगे, जनता से आप दूर चले जाएंगे, जो आपका जो मूल समर्थक वर्ग है उससे आप दूर चले जाएंगे, उसके साथ संवाद नहीं रखेंगे, और सबको खुल के संवाद रखने की आवश्यकता आपके मन के अंदर। हमें लगता है कि समय वो काफी हो गया है, तो हमें प्रश्नों पर जाना पड़ेगा। अनुरोध है कि प्रश्नों का उत्तर जो है वो संक्षिप्त रखें जी। प्रश्न अजय नागेंद्र जी, धन्यवाद आपको। और अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप, वोट शेयर ऑफ बीजेपी इन 2019 37.33%, if opposition gets united and agree to choose
one person per seat, will it be difficult for BJP? See, NDA total was more than 45, almost 46%, and which was higher than Nehru ever got. So don't worry about the vote share. But then my worry is that the most influential, the most vocal, and the most committed vote that the BJP has is from the Hindutva votaries. They may be only 3 or 4% of this 37. But if they lose this 3 or 4%, well, they won't make it. No, those 3 and 4%, Sanjay ji, they are the people who really, you know, give a fillip to the campaign. You know, their enthusiasm, you know, drives the campaign. Right. I have seen many elections in my life, and in those elections, unless the people are enthused, the people are, you know, really, you know, they have, their back should be up. If that doesn't happen, you cannot win an election. Yes, so you have to have enthusiasm, and there is nothing, there's no input of enthusiasm in BJP's campaign these days. I mean, thankfully, in 2024, we will have Hamara Ram Mandir hai, to wo utsaah jo hai rahega, dekhte hain. Main uske upar bahut zyada if they do nothing about the Hindu issues, which Hindus have been shouting, especially this vocal group, they will definitely go down. There's no way they can go up from here. Vignesh Prabhu, poor IT cell, most corrupt imported ministers, taken for granted attitude with cadres, voters, unable to handle Hindi, Gujarati versus Karnataka issue. Amul Nandini, not seen any worker doing door to door, sabotage by rebels, adamancy. Yes. Very well summed up, Vignesh. Yes. He summed up the Karnataka situation extremely well. Net practice for poor law and order situation, Yogi ji is needed in West Bengal. Well, they will have to create their own Yogi. Yes. Yes. Next, Berlin, why BJP not taking care of their vote bank? Why not taking care of Hindus, especially the middle class? VN ji, kya kehte hain aap? Uttar Pradesh mein kya sthiti hai is maamle? सर, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति जो है फ्लक्स की रहती है. चुनाव आ जाते हैं और अभी असेंबली चुनाव एक साल पहले था, अब नगर निकाय चुनाव आ गया, लेकिन एलपीजी प्राइस को लेकर के शहरी मध्य वर्ग में नाराजगी है और लोगों में को आप जरा सा भी कुरे दिए तो लोगों के अंदर ये गुस्सा सामने आ जाता है. और इसी महीने पावर का, बिजली का नया टैरिफ ऑर्डर आने वाला है और अगर वो और पावर कंपनी ने, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 18 से 25% का हाइक डिमांड किया है रेगुलेटर से. अगर ये बढ़ती है तो सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी. पिछले 3-4 साल से बिजली के टैरिफ नहीं बढ़े हैं और सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी को लेकर के नाराजगी गांव और शहर में समान रूप से है लोगों में. नेक्स्ट, रॉब एसआर, RKS is by far the best speaker on JD. Badaiyo, Rajesh ji, aapko. The way he expresses his passion for nationhood always induces goosebumps. So you should come back to RSS, BJP, or at least advise the upper echelons in the government. Advice has to be sought first. Unsolicited advice doesn't carry any weight. मैं तो वो भी देने के लिए तैयार रहता हूँ, करता ही रहता हूँ सब ट्विटर वगैरह पे. अब कोई सुने तब ना, अपना जितना प्रयास, मेरा कोई काम आपका, धंधा है. आपका नया ट्विटर हैंडल तो बता दीजिए, लिख दें आपके नाम के साथ में. वो रहने दीजिए, वो भी चला जाएगा. तो मेरे 6-7 ट्विटर एलन मस्क आ गया है, अभी तो सेफ है काफी. नहीं नहीं, उसके दौरान भी जो है, अभी ट्विटर जो है, यहाँ ट्विटर इंडिया में समस्याएं अभी भी बहुत है. वो मेरे किसी मित्र ने बना के मुझे दे दिया जिसमें मैं ट्वीट कर दिया करता हूँ. बाकी तो जो लेख वगैरह आप लोग ट्वीट कर देंगे तो उसमें लोग पढ़ लेंगे, कुछ हो जाएगा उसमें. लेकिन सामान्य कार्यकर्ता ठीक. जी, विघ्नेश प्रभु जी कह रहे हैं, पुअर कैंडिडेट्स नॉट स्टैंडिंग विद हिंदू वर्कर्स इन साउथ. यू कांट इग्नोर लैंग्वेज एंड नीड टू टॉक बियॉन्ड डेवलपमेंट. बीजेपी शुड कम आउट ऑफ कॉर्पोरेट एटीट्यूड एंड कम डाउन टू अर्थ. नो एक्शन ऑन कोर इश्यूज. विकास नॉट इक्वल टू वोट. ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड मिस्टर विघ्नेश प्रभु, थैंक यू सो मच. आई थिंक यू हैव समड अप द एंटायर कर्नाटका कैंपेन फेलियर in these two remarks. Manak Bhattacharya, tushtikaran, triptikaran, santushtikaran mein antar bataein. Bataein sahab.
मुझे तो कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है उसमें मोदी जी जो है वो बीजेपी के लोग उसको ज्यादा बताएंगे। अच्छा एक बात बताना, भूल गया मैं आप लोगों को, ये जो नड्डा जो जो ट्वीट किया गया है बीजेपी द्वारा कर्नाटक में, उस ट्वीट में मोदी जी भी गायब है, उसमें तो दोष सब कुछ नड्डा जी के ऊपर आ गया है। अच्छा तो उसमें तो जब शीर्ष नेतृत्व जो है जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो ये विचित्र स्थिति, ये नहीं होना चाहिए था कभी। मुझे नहीं लगता था कि बीजेपी भी ऐसा होने लगेगा जो कांग्रेस में होता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी जो है जो राजा है उसको बचाने के लिए जो है सब लोग अपना अपना वो मैन्यूवरिंग करते हैं। दूसरा एक और मैं बताना चाहता था थोड़ा सा उसके ऊपर, कि ये सब्सिडी वगैरह जो इशू है ना, वो भी उस पे इन लोगों को परहेज नहीं करना चाहिए। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, युद्ध जीतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक रणनीति के तहत अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी करें, और कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब्सिडी का बोझ भी ये देश सहन कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हिंदू सत्ता जो है कभी अब जानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जाने का अर्थ होगा हमारे देश का विघटन। ये इतना तयशुदा बात है, क्योंकि अब जो आज ही आज ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ इंडिया चलने लगा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। मुकुंद राव, ये आइडिया तो वैसे बहुत पुराना है, हाँ, लेकिन अब अचानक कर्नाटका के बाद जो है ये चारों तरफ चल रहा है। नहीं नहीं वो भी इनके इनका टूल किट गैंग है, वो काम कर रहा है। उनकी स्ट्रेटजी आज से नहीं चल रही है, वो जब से मोदी आए हैं तब से ये स्ट्रेटजी उनकी लगातार चल रही है, कभी सफल हो जाते हैं कभी असफल हो जाते हैं। तो इस बार थोड़े से कर्नाटक में ये सफल हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सही तरीके से, क्योंकि इनकी रणनीति जो है ढुलमुल रही है, कोई रणनीति रही ही नहीं है। रहती अगर 3.5 साल ठीक से इन लोगों ने काम कर दिया होता तो कोई प्रश्न ही उठता था इनके चुनाव हारने का, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है, ना जमीनी स्तर पर ठीक से कनेक्ट इस्टेब्लिश किया है, जो इनकी योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित करने में लगे रहे हैं। अब चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत समय लग जाएगा। मुकुंद राव जी धन्यवाद। अमेय जी, बीजेपी को ये लग रहा है कि अब उनको जनता बाई डिफॉल्ट चूज करेगी सेंटर में, जैसे पहले कांग्रेस को करती थी, इसलिए हिंदुत्व को मुद्दा ज़्यादा जोर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो बता दिया ना कर्नाटक वालों ने, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या किया जाएगा। भारद्वाज, लॉ एंड ऑर्डर, शाह इज द वर्स्ट होम मिनिस्टर आफ्टर पाटिल सिंस 1948। बट साहब, एनी रिमार्क्स? सो हियर आई डोंट एग्री विद हिम। ये इतना फतवे की भाषा में ये बात नहीं कही जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ है वो निश्चय ही बहुत चिंताजनक है और बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है। वहाँ पे जो वहाँ का बहुसंख्यक समाज है मेचई, वो भी एक माइनॉरिटी के आतंक में जी रहा है, उसके घर जलाए जा रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, उसको घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, वो रिलीफ कैंप में रह रहा है। तो अगर उस आधार पर भारद्वाज जी की चिंता है तो मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ जी। नेक्स्ट, वेंकी, आई होप एंड प्रे मोदी जी डजंट एंड अप डूइंग अ रिडक्स ऑफ शाइनिंग इंडिया कैंपेन ऑफ एबीवी, वी प्रे। नहीं, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, दैट विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट, हम बहुत उससे आगे आ चुके हैं। चाहत सिंह चौहान, जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं, ये आपके जम्मू कश्मीर के जो भाजपा अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला था। मूर्ख जेवीजेपी, डोंट इग्नोर कोर हिंदू बेस, विल बीजेपी लिसन टू देम, उसी के लिए तो हम इतना हल्ला कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, युवकल भारती, संजय जी, व्हाई यू स्विच टू पंच पांच प्रण टू पंच प्राण? अरे भाई, अब वो बोले जा रहे हैं पंच प्राण तो मैं क्या करूं। मेरे हिसाब से तो पंच प्राण है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन वो करते हैं 5 रेजोल्यूशंस, लेकिन बोलते हैं पंच प्राण। तो पंच प्राण भी हैं वैसे तो, 5 तरह के प्राण होते हैं जो आप जानते हैं, हम उदान, अपान, वो समान, तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार होते हैं। हाँ, व्यान, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। गिरीश मिठपल्ली, धन्यवाद आपको। रविंद्र, MLA who banned halal lost, other MLAs banned hijab lost, left brainwashed crores Hindus, check viewer of Ravish
एल टॉप राठी रियलिटी इज बीजेपी लूजिंग नॉट बिकॉज इट्स बिकमिंग सेक्युलर बट बिकॉज इट इज नॉट सेक्युलर इनफ. नो आई डोंट एग्री विद दिस. दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स. अगर खाली आप हलाल करेंगे और काम नहीं करेंगे तो उस पर जनता जो है वो कहेगी कि ये जो है जीतने के लिए नाटक कर रहा है. जनता की भी जो है वो अपनी अपनी अलग होती है मॉनिटरिंग. नहीं, साढ़े तीन साल का काम करने का समय था, उस सारे समय में कैसे उन्होंने काम किया उसके ऊपर लोग निर्णय लेते हैं. एक खाली देखिए, किसी ने बहुत अच्छा कभी कहा है, मेरे ख्याल से अरविंदन नीलकंठन का एक आया कि भाई जो मेकअप है हिंदू जनता का वो मुद्दों पर वोट करती है और जो उसका जो 30% सिविलाइजेशनल और 70% जो है वो मुद्दे होते हैं. मुसलमानों का इसका उल्टा होता है. लेकिन अगर आप केवल इनके ऊपर टिको रहोगे तो भी प्रॉब्लम, और इनको टोटल छोड़ दोगे तो भी प्रॉब्लम. तो ये जो 30% है वही तो हम कह रहे हैं भाई 3-4% कम हो जाएगा अगर आपने इनको नहीं पकड़ा, क्योंकि 30% सिविलाइजेशनल तो है. लेकिन आप 70% ना करके केवल 30% करते रहो तो भी नहीं होगा. नहीं नहीं, 2019 ने ये साबित कर दिया कि ये जो सिविलाइजेशनल जो मुद्दा है ये केवल 70-30 वाला ही रेशियो नहीं है ये, क्योंकि जो वोट जो मिले हैं मोदी जी जो हैं वो शहरी वोटों से नहीं जीते थे 2019. जो शहरी वोट बड़े ही कितने थे, जितने भी बड़े बड़े शहर थे उसके अंदर 45-50% करीब वोटिंग हुई थी, उससे भी कम कई कई जगहों पर वोटिंग हुई थी. ये जो जीतते हैं वो जीतते हैं उस व्यक्ति उन लोगों से जो गरीब हैं, जो सही में फेस कर रहे हैं, जो जिहादी आतंक है सबसे पहले वो फेस करते हैं, तो उनके वोट से ये जीतते हैं हमेशा. नहीं तो जो संभ्रांत वर्ग है जो बड़ा सिविलाइजेशनली कनेक्टेड शायद महसूस करता होगा वो तो वोट ही देने नहीं जा रहा है. तो आम जनता वोट देने के लिए जाती है, वो देखती है. और 2014 में भी यही सोच के लोगों ने वोट दिया था कि ये ठीक करेंगे, इनको जिहादियों को रखेंगे. डिसाइसिव अब मेरे पास प्रोड्यूसर का रिमार्क आ रहा है कि साहब समय बहुत हो गया है, तो इसको हम फटाफट वाइंड अप करेंगे इसको. ट्रांसवर्स जी धन्यवाद, अनपाजू विश्वनाथ धन्यवाद, बालाजी नरसिम्हन धन्यवाद. ट्रांसवर्स हिंदुओं के हित के लिए बीजेपी को एक मूल निवासी आत्मसम्मान उत्थान योजना. ओरिजिनल नेटिव्स डिजर्व टू हैव इट. भैया ये ओरिजिनल नेटिव्स तो कौन है, हम सब ओरिजिनल है. नेक्स्ट, ये ब्रिटिश नैरेटिव है नेटिव वाला. दमादम धन्यवाद. राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेश जी को और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस वाले इसको सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे. जय हिंद, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय श्री राम.